वो चार्म, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी हमेशा मैंने मेरी जिंदगी में कैरी ऑन किया है और वही कैरी ऑन करके आज मैं मतदान करने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा जब पठन किया, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद लिया, उन्होंने अक्षवान किया, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस जो जिंदगी में है, जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के सुषमा स्वराज जी जिस तरीके से देश के प्रति योगदान, अमित शाह जी योगदान दे रहे हैं, वो पॉजिटिवनेस मेरे में है और मैदान है, हर कोई लड़ सकता है। सबको मामला है ओबीसी आरक्षण का मामला है, आप कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को जो चुनाव प्रचार में अब तक रहे? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, एक 52 वर्ष के राहुल गांधी जी से लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस देश का जितना भी संवैधानिक हक इस देश के नागरिकों को मिला है वो छीनने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से महिलाएं अपना घर, संपत्ति, अपनी आने वाला भविष्य, बच्चों का सिक्योर करती हैं, वो लेने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस देश की महिलाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इस देश में उनका भाई नरेंद्र मोदी जी उनके साथ हैं, उनका परिवार का सदस्य रहकर वो उनके साथ है, तो जब तक सूरज चांद है तब तक संविधान है और उसके साथ इस देश में महिलाओं को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतदान को लेकर क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? मतदान को लेकर क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपको, लोग कैसे बता? बहुत सारे फोन पे बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि हमने आपको मतदान किया, हमने मोदी जी को मतदान किया, हमने अपने देश के प्रति मतदान किया, तो मुझे लगता है पॉजिटिव।